अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं अस्साई 3.1 क्लास 10th यूनिट नंबर 3 RS 750 RS 1250 की रेशो मालूम करनी है ए और बी के हिसाब से। इनको रेशो कैसे मालूम करते हैं, ये हमारे पास है इसमें की रेशो। रेशो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम डिवाइड करते हैं 50 पे, हम तकसीम करते हैं 50 पे। ये हमारे पास 15/25 आया और हम इसे मजीद 5 पे करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 3/5। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये है हमारा आंसर। ये स्टूडेंट हमारा दूसरा जज, ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये हमें मीटर में दिया हुआ है। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 3 meters = 300 centimeters। ये 1 meter हमारे पास है 100 centimeter के, तो इसी तरह 3 meter हमारे पास होगा कितने का, 300 × 100 = 300 centimeter के। इसे हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इन्हें रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ये भी पहले ये 450 450 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 300 है, ये गलती से 50 लिख दिया है, 300 हमने 0 को 0 से कैंसिल, 85/13। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 15, मैंने इसे 15 से डिवाइड किस तरह करते हैं, 15 × 3 = 45, ये इस पर पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। स्टूडेंट जी हमारे पास है जूस नंबर 3 फल नंबर 1 का, यहाँ पे 4 kg दिया हुआ है और यहाँ पे 2 kg 750 ग्राम। अब हमने सबसे पहले इस केजी को ग्राम को हटाएंगे, ग्राम की जगह किलो जो लिखा हुआ है किलोग्राम से, 1 kg हमारे पास होता है 1000 ग्राम, 4 की हम हमारे पास होगा 4000 ग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 kg 750 ग्राम, अब इसी तरह 2 k की या k की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर दी है, अच्छा जमा 750 करना है,
अब हमारे पास इसी शेप में ये ग्राम्य आ गया, ये भी ग्राम्य है। अब हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में पहले लिखे स्टूडेंट जी, हमारे पास है जो नंबर 4 जो कि 27 मिनट 30 सेकेंड, जहाँ पे दूसरी रेशो में है ये 1 आवर। अब हम 1 आवर को पहले सेकेंड में तब्दील करते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो ये 3600 सेकंड आ गया हमारे पास। अब हम 27 मिनट थर्टी सेकंड दिए हुए, मिनट जो का हम लिखेंगे 60, क्योंकि 27 मिनट और 60 से जल देंगे और प्लस 30 सेकेंड करेंगे। ये हमारे पास आएगा 1650 सेकेंड। रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम तकसीम करें तो ये हमारे पास आएगा 5 इसके बाद पच्चीस होगा।
इस तरह हमारे पास इसका आंसर। अब 75 को 25 में तकसीम करके भी आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 के फाइव इंचेस कंप्लीट। ये आप देख भी सकते हैं, शायद आपको पहले नजर नहीं आ रहा था।